विधानसभा हलका फिलौर दे शहर गुराया विखे कांग्रेस सेवा दल वालों एक विशेष मीटिंग की गई जिथे सोमपाल मेंगड़ा जनरल सकत्तर कांग्रेस सेवा दल पंजाब चेयरमैन आल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी पंजाब ज्योति खन्ना हिमाचल प्रधान पंजाब इंचार्ज कांग्रेस सेवा दल मुख मेहमान वजो पुजे जिन्हों का प्रबंधकों वालों फुलों के हार पा के निघा स्वागत किया गया। मीटिंग दौरान वख वख बुलारियां ने संबोधन करदिया कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री लगा के पंजाब वासियां दे हौसले बुलंद किए हैं अते उन्हां नूं पूर्ण विश्वास है कि 2022 दीआं चोणां दौरान मुड़ कांग्रेस की सरकार बहुमत नाल बनेगी अते चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा पंजाब दे मुख्यमंत्री बनणगे। बुलारियां ने कहा कि बीते समय सरदार महेंद्र सिंह केपी पंजाब दे प्रधान की अगवाई हेठ श्रोमणी अकाली दल की सरकार वेले लोग सभा दीआं चोणां च 8 उम्मीदवार जिता के पार्लीमेंट च भेजे सन, इस बार भी चंगे नतीजे आउणगे। प्रबंधकों वालों पंजाब दे नवें बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की खुशी अते सन्मान विच लड्डू भी वंडे गए। इस मौके कुलवंत सिंह बटाला फतेहगढ़ चूड़ियाँ, प्रदीप कुमार बटाला फतेहगढ़ चूड़ियाँ, परमिंदर सिंह बटाला, कमलजीत कौर खन्ना, गुरप्रीत सोनी, खुशविंदर कौर मुलापुर, सतवंत सिंह मोही, बाबा रणजीत कौर मुकंदपुर, कुलदीप सिंह पाला, गुरचरण सिंह रसूलपुर, बाबा गुरजीत कौर रुड़की, दर्शन कौर फगवाड़ा अते होर भी पतवंते मौजूद सन। मुबारकबाद देती हूँ हमारे नए मुख्यमंत्री जी श्री चरणजीत चन्नी जी को कि उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार की भागम दौड़ अपने हाथ में ली। साथ में उन सभी कैबिनेट मिनिस्टर को मैं मुबारकबाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि आगामी चुनावों में वो आगे बढ़कर सहयोग भी करेंगे और आगे बढ़कर जो है कांग्रेस सरकार को दोबारा से पंजाब में लाने के लिए मिलजुल कर एकजुट होकर कार्य करेंगे। और हम राजनीतिक तौर पे जो कार्य रहेगा वो हमारा मेन है कि ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता को छोटे छोटे कैंप लगाकर स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, उन कार्यों को आम जनता तक पहुंचाया जाए, आम जनता से को अवगत कराया जाए कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने अपने कार्य किए हैं और कांग्रेस सरकार आज भी अपने कार्य करती आ रही है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आज साड़ी कांग्रेस सेवा दल दी एक मीटिंग बुलाई, उदे विच चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बनते लड्डू वंडे, तां हर एक अपने वर्कर नूं उह आपां जिम्मेवारी संभाली आ वी जिहड़ा कार्ड दिते, नियुक्तियां दित्तियां असीं वी जिहड़ा आउण वाला 22 दा इलैक्शन आ उह असीं बहुत भारी बहुमत नाल जिता के पंजाब दे विच फिर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लियावांगे। वो टाइम बहुत नेड़े आ। अज मैं उही वर्करां नूं बेनती करनी चाहुंदा वी अज आपां जिम्मेवारियां लैके घर घर जाके हर एक दा साथ देना, हर एक नूं समझाउणा, हर एक नूं, क्योंकि अज कल जो मोदी सरकार तुहानूं पता जो कर रही है, जो जुल्म हो रहा, किसान जिन्ने वीर मेरे है वो सड़कों पर रुड़ रहे हैं। आपां जे दोबारा सरकार कांग्रेस की लियावांगे तो मुड़ के भारत सरकार भी आप कांग्रेस की लियावांगे तो उस तो बाद फिर ही आप इन्हां ते नत्थ पा सकते हैं, नहीं तो हो इहदे विच कोई चारा नहीं। सो मैं बेनती करदा मैडम ज्योति खन्ना जो कि हिमाचल स्टेट के प्रेजिडेंट पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज तां साडे विच विराजमान होए, साडे च पहुँचे, सानूं सुझाव दिता, उही सुझाव असीं इन्हां दा लैके उपर तक पहुँचावांगे और वर्करां तक पहुँचावांगे। उही सुझाव वर्कर साडे पिंडां दे शहरां दे लोकां नूं सुझाव देणगे वी आउण वाला जिहड़ा 22 दा इलैक्शन आ भारी बहुमत नाल पंजाब विच कांग्रेस दी सरकार बणाउणी है। जय हिंद।